नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क में, हूँ आपके साथ आयुष मिश्रा। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी पिछले कुछ समय से अपनी सरकार की आलोचना करते आ रहे हैं और एक बार फिर से वरुण गांधी ने अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद सियासी पारा एक बार फिर से गर्म हो गया है। वरुण ने अपने तेवर दिखाते हुए मोदी सरकार को घेरने का काम किया है। इसके पीछे की वजह है चीता। वरुण गांधी ने अफ्रीका से चीता मंगाए जाने को क्रूरता बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि विदेश से जानवरों को मंगवाए जाने के बजाय बेहतर होता कि हम अपने यहाँ की प्रजातियों का संरक्षण करते। गौरतलब है कि भाजपा सांसद पहले भी अपनी सरकार और पार्टी लाइन से इतर बयानबाजी करते रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार के विभिन्न फैसलों पर भी सवाल उठाए। वरुण गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि अफ्रीका से चीता मंगाना और उनमें से 9 को विदेशी धरती पर मरने के लिए छोड़ देना क्रूरता नहीं बल्कि बेरुखी है। उन्होंने कहा कि हमें इन शानदार प्राणियों के दर्द को बढ़ाने के बजाय अपनी स्वयं की लुप्त प्रजातियों और आवासों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाजपा सांसद ने आगे लिखा कि विदेशी जानवरों की इस लापरवाह खोज को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने मूल वन्य जीव के कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चीतों के लाए जाने की घोषणा पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि नामीबिया से चीतों को लाने की बेहतर सफल परियोजना के बाद 9 पहले ही मर चुके हैं, अब दक्षिण अफ्रीका के चीतों को देखो। वहीं कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य ने सरकार से चीतों को बख्शने का आग्रह किया, जिसे ट्विटर के कई उपभोक्ताओं ने दहराया। हालांकि कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया। बता दें कि देश में चीतों के विलुप्त होने के बाद उन्हें फिर से बसाने की भारत की महत्वाकांक्षी पहल प्रोजेक्ट चीता को रविवार को 1 साल पूरा हो गया है। ये पहल पिछले साल 17 सितंबर को शुरू हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए चीतों के एक समूह को मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान के एक बाड़े में छोड़ा था। तब से इस परियोजना पर दुनिया भर के संरक्षणवादियों और विशेषज्ञों द्वारा पैनी नजर रखी जा रही थी। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कुनू में 2 समूहों में 20 चीते लाए गए थे। पहला समूह पिछले साल सितंबर में और दूसरा समूह फरवरी में लाया गया था। मार्च के बाद से इसमें से 6 शावक चीतों की विभिन्न कारणों से मौत हो चुकी है। मई में मादा नामीबियाई चीतों से पैदा हुई 4 शावकों में से 3 की अत्यधिक गर्मी के कारण मृत्यु हो गई। वहीं अब इसको लेकर वरुण गांधी ने सरकार को घेरने का काम किया है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं कि वरुण गांधी इस तरह के बगावी तेवर अपनाए हुए। कुछ दिन पहले भी इस तरह की बातें सामने आई थी। कुछ दिन पहले की बात है जब पीलीभीत में मंच से संबोधित करते हुए एक साधु का फोन भेजने लगा तो वरुण ने तंज कसते हुए कहा कि क्या पता यह साधु कल को सीएम बन जाए। माना गया कि यह बात उन्होंने सीएम योगी से लक्ष्य करते हुए बोली है। मैं चाहता हूं कि महाराज जी दे दीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है कोई जरूरी हो। क्यों मत सुनो, इधर उधर आ जाओ, आप बिल्कुल इनको ऐसा मत करो, कल जाके ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे फिर हमारा क्या होगा। समय की गति को समझा करो महाराज जी, मुझे लगता है समय अच्छा आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद तरह तरह की बातें सामने आ लगी कि उन्होंने सीएम योगी को लेकर कटाक्ष किया है। वहीं से पहले वरुण गांधी ने द हिंदू अखबार में लिखे एक आर्टिकल में अपनी ही सरकार के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के दावे पर भी सवाल खड़े किए थे। वहीं पिछले दिनों वरुण गांधी ने कई गाँवों में जन संवाद कार्यक्रमों को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने नेताओं पर भी तंज कसा था और गांधी परिवार की तारीफ की थी। वरुण ने कहा था कि वह उन नेताओं में से नहीं है जो जनता से झूठ बोलकर वोट ले। उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार उस किस्म का नहीं है जो मीठी मीठी बातें बताकर आपका वोट चोरी कर ले। कहीं जाता चाहे मैं लंदन जाऊं, चाहे मैं अमेरिका जाऊं, चाहे मैं कहीं जाऊं, लोग मुझे क्या कहते हैं जो पहचानते हैं। लोग कहते हैं हाउ इज पीलीभीत, कहते पीलीभीत कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, आप यहाँ घूम रहे हो, वहां कौन देख रहा है। तो बात यह है कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी पहचान इस पीलीभीत से है और पीलीभीत की पहचान हमारे से है और ये एक बहुत पवित्र संगम है। इस संगम को मैं हल्का नहीं करना चाहता। जब भी मैं आता हूं तो मैं बंगाली समाज से एक निवेदन करता हूं, मैं कहता हूं किसी को भी आप वोट करें
किसी को भी करें, लेकिन भेड़ चाल में ना करें, दिमाग लगा के करें। यानी कि कोई आया भारत माता की जय बोल दिया, जय श्री राम बोल दिया, आपने वोट डाल दिया, क्योंकि उसके बाद आपकी गिनती भी वैसी हो जाएगी जैसे कि आप लोग एक एक मनुष्य, एक एक आत्मा नहीं हो, आप लोग बस एक संख्या। मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक संख्या बने, मैं चाहता हूं आप एक एक यहां के देवी, एक एक देवी समान, उसकी एक सोच हो, उसका एक सम्मान हो, उसके बच्चों के सपने हो, उन सपनों का आदर हो। मैं कॉलोनी में एक दिन गया था, वरुण गांधी के इस जिक के साथ ही एक बार फिर से कई तरह की कयास लगने शुरू हो गई थी कि वरुण गांधी हो सकता है कांग्रेस में जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे पहले भी वरुण गांधी ने एक बार पीलीभीत जनसभा को संबोधित करते हुए नेहरू जी और कांग्रेस की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि ना तो मैं नेहरू के खिलाफ हूँ, ना ही कांग्रेस के खिलाफ हूँ। हमारी राजनीति देश को बढ़ाने की होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने के। आज जो लोग केवल धर्म और जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हमें उनसे पूछना चाहिए कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा का क्या हाल है। देखिए वरुण गांधी ने किस तरह से हमला किया। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं, केवल क्या लिख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, जाति पाति तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो, ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था हमको नीचे बिठाने का जानवर के तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है आपका स्वागत है, उठाओ, लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा, अगर चुप हो जाओगे। वैसे बता दें कि इसके अलावा पिछले कुछ वक्त से पार्टी के आयोजनों से भी वरुण गांधी दूर नजर आए हैं। उनको लेकर तमाम तरह की अटकलें चलती रहती हैं। सुर्खियों का बाजार गर्म रहता है कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, कांग्रेस में जा सकते हैं, सपा में जा सकते हैं, लेकिन वरुण गांधी अभी भाजपा में बने हुए। वरुण गांधी क्या कुछ करते हैं ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रही 4 PM के साथ। नमस्कार।